बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में हिमाचल प्रदेश होटल एंड बार रेस्टोरेंट एसोसिएशन के महासचिव रमेश कुमार राणा ने प्रदेश सरकार पर बार मालिकों के विरुद्ध दमनकारी नीतियों को लागू करने का आरोप लगाया है। हिमाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार की बार मालिकों के विरुद्ध दमनकारी नीतियों के कारण मजबूर होकर 12 बार मालिकों के बार बंद करने पड़े और अन्य बंद होने की कगार पर हैं। बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में हिमाचल प्रदेश होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के महासचिव रमेश कुमार राणा ने कहा कि यदि सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो बार मालिकों को मजबूरन अपने बार बंद करने पड़ेंगे, जिससे सरकार के राजस्व में भी फर्क पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई सरकार लाइसेंस फीस, कोटा और पेनल्टी को पूरी तरह से हटाने के लिए एसोसिएशन लंबे समय से सरकार के समक्ष गिड़गिड़ा रहा है। प्रदेश में कुल 630 बार संचालक हैं और इसी माध्यम से वे अपनी आजीविका भी कमा रहे हैं, लेकिन सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण 12 बार बंद हो चुके हैं, जबकि अन्य बंद होने की कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद इस मसले पर सरकार गंभीर नहीं है। राणा ने कहा कि आवाकारी एवं कराधान नीति 2019-20 के तहत रखे गए प्रावधानों की तुलना अन्य राज्यों से करना अनुचित है, क्योंकि प्रदेश के अधिकांश भागों में जनसंख्या के सामान्य लाभों के अनुसार प्रावधान किए गए हैं और अन्य राज्यों से कोई अनुचित उदाहरण नहीं लिया गया है, क्योंकि प्रत्येक राज्य की अपनी भौगोलिक और जनसंख्या स्थापना के अनुसार नियमों को अपने तौर पर सेट किया गया है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि उत्पादन एवं कराधान नीति 2019-20 की समीक्षा की जाए तथा इसे बड़े पैमाने पर राज्यों के लाभ से संशोधित किया जाए। उन्होंने बताया कि राज्य में बार और रेस्टोरेंट होटलों में शराब की सेवा और बिक्री के लिए निर्धारित लाइसेंस शुल्क में पिछले 6 वर्षों में लगभग 700% की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि कोटा का जबरन निर्धारण उचित उद्देश्यों की भावना के विरुद्ध है, क्योंकि बार होटल आम जनता को उनसे शराब खरीदने के लिए बाध्य नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि विभाग के नियमों और शर्तों के उल्लंघन पर 1,00,000 रुपये जुर्माना और 2 दिन बार बंद रखना और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 4 दिन बंद करना और 2,00,000 का जुर्माना लगाना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि यही नहीं, चौथी बार लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। ऐसे फरमानों से किस तरह से बार होटल रेस्टोरेंट मालिक सरवाइव करेंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि 30 जून को समाप्त होने वाले पहले तिमाही से पहले नीति को संशोधित करें ताकि इस वर्ग को राहत मिल सके। के लिए तो एक फैसिलिटी के लिए मैं तो ये चाहता हूँ सरकार से, मैं तो एक बहुत ही कम नॉर्मल सी बार फीस होनी चाहिए। बाकी मैं अपने मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी से निवेदन करता हूँ कि ये हमारी इसको जल्द से जल्द मतलब देखा जाए और बार फीस को और पेनल्टी को बार फीस को कम किया जाए, पेनल्टी को खत्म किया जाए और कोटा भी कम किया जाए, क्योंकि हमारे पास ओपन सेल तो होती नहीं है, पैक सेल होती है, जिससे कि हम अपना कोटा खपत नहीं होती हमारे पास। इस हिसाब से हमारी हिमाचल में इस टाइम कोई 20% तो बारे बंद हो चुकी हैं और अगले साल तक अगर ऐसा ही रहा तो और भी बारे बंद हो सकती हैं और बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हमारी सरकार से और अपने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से यही निवेदन है, आग्रह है कि इसको जल्द से जल्द अब इसको कम करें। अगर हमने कोटा नहीं बेचा तो हमारा 1,00,000 रुपये पेनल्टी है और 2 दिन बार बंद है और सेकेंड ईयर किस्त में 2 दिन बार बंद है और 2,00,000 रुपये पेनल्टी है। कितना कोटा है हमारा? कोटा 2,500 प्रूफ लीटर है और जो हमारी फीस है वो 3,70,000 रुपये है सालाना, जिससे कि हमारे को बार चलाने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। उन्होंने कहा था कि कोटा एंड कनेक्ट के बाद करते हैं, लेकिन हमारी उसके बाद कोई सुनाई नहीं हुई। इससे सरकार से मांग है कि हमारी यह मांग पूरी की जाए। कितने बार हिमाचल प्रदेश में बंद हुए? हिमाचल प्रदेश में बार 630 बार हैं, जिससे कि बार रमेश कुमार हिमाचल बार एंड रेस्टोरेंट का जनरल सेक्रेटरी हूं। प्रदेश सरकार ने जो कोटा और फीस और जो पेनल्टी
बढ़ा दी है। इसे हमने सरकार से मांग की है कि हमारा ये कोटा और फीस, कोटा और पेनल्टी खत्म की जाए, जिससे कि हमारे को अपने परिवार को पालन पोषण करने में बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत परेशानी आ रही है। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला, छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।